तो साथियों बताया जा रहा है कि इसी घर में वो खतरनाक जीव घुसा है, जिसको हम वो लोग खतरनाक जीव बता रहे हैं कि बिछखोपड़ा है। टार्चिया, टार्चिया। और ये देखिए वहाँ से चल के यहाँ खोधड़ा में आके बैठ गया है। और देखिए मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ, आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसी को लोग बिछखोपड़ा कहते हैं, तो कहते हैं बहुत विषैला होता है। तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि वाकई ये जहरीला होता है कि नहीं होता है। तो इसको हम जो है अपने हुक से पिन करके इसको दबाते हैं, फिर बाहर ले चलते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि वाकई इसमें जो है ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे विषैला समझते हैं और इससे बहुत ही भयभीत रहते हैं कि ये काट लेता है तो आदमी की खोपड़ी फट जाती है, पेशाब करके पी लेता है तो बचने का कोई चांस नहीं रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सपेरों द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। तो आप इस जीव से बिल्कुल भी ना डरे। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय गो होते हैं उन्हीं के ये बच्चे होते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को अन्य शिकारी जीवों से बचाने के लिए ये अक्सर घरों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनको छिपने की बहुत ही अच्छी जगह मिलती है और ये सेफ़ रहते हैं। और ये काफ़ी कलरफुल भी होते हैं। इनका कलरफुल होना इसलिए ऐसा होता है कि ये अपने आप को बचा सकें। तो ये जो अपना भारतीय बंगाल मॉनिटर लिजर्ड है, ये इन्हीं के बच्चे होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए हमारे घरों के अंदर आ जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि ये विषैला होता है कि नहीं होता है, और यदि होता है तो क्यों होता है, और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो ये जो खतरनाक जीव है, ये काफ़ी फुर्तीला भी होता है। तो ये जो है सुराव के बगल में एक देवगलपुर गांव है, और उदय यादव जो कि पेशे से वकील हैं उन्हीं के घर में ये निकला हुआ था। तो हमारे पास इन्होंने फ़ोन किया, तो हम वहाँ पर जाके देखे कि बताया गया किसी घर में जो है घुसा, भी बाहर नहीं निकला। तो हम काफ़ी जांच पड़ताल किया, तो ये जो है एक इनका पक्का मकान है, प्लास्टर नहीं है, खुदड़े में घुस गया था। तो फिर वहाँ से मैंने इसे रेस्क्यू किया और इसे ले जाके हम इसके मतलब बाहर थोड़ा नेचुरल इसके हैबिटेट में छोड़ देंगे, जहाँ पर आबादी से थोड़ा दूर, क्योंकि लोग इससे बहुत डरते और भयभीत होते हैं। और यदि आपके आसपास कोई सांप या विषैला जीव दिखाई पड़े आपके घर में आसपास, तो आप जो है स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और यदि इससे संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सांप जो है, ये जीव जो है, ये बिल्कुल भी विषैला नहीं होता है। तो आप इससे बिल्कुल भी डरे नहीं। और भी इसके विषय में यदि आपको जानना है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके आसपास निकले तब भी आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।